उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने और नए पद सृजित किए जाने के संदर्भ में आज से लगभग दो महीने पहले प्रदेश सरकार के द्वारा एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था दो महीने लगभग होने को हैं अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है प्रथम दृष्टिया में आपको देख करके ऐसा लगेगा कि कमेटी जान बुझ करके रिपोर्ट को विलंब कर रही है लेकिन अगर इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स को आप देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि प्रदेश सरकार चाहती ही नहीं है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपे और हमें शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना पड़े स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे विभागीय अफसर भी स्वीकार करते हैं कि भर्ती को लेकर ऐलान हो जाता तो पिछले दिनों प्रदर्शन की नौबत ना आती मतलब अधिकारी भी मान रहे हैं कि जब पद रिक्त हैं तो उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाता अगर तो कोई भी इस प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं होता और जो अड़सठ से बाईस सीटें बची हुई हैं या फिर उनहत्तर से संबंधित अभ्यर्थी लगातार चार महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब भी खत्म हो जाता ये अधिकारी भी बात मान रहे हैं और जो कमेटी में तीन सदस्य हैं उनके द्वारा भी रिपोर्ट को लेकर के सजग तो होंगे लेकिन प्रदेश सरकार कितनी सजग है या फिर कितना इंटरेस्ट ले रही है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है क्योंकि अगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप भी दी तो शिक्षक भर्ती का ऐलान प्रदेश सरकार के द्वारा करना है ना कि इन अधिकारियों के द्वारा तो कुल मिलाकर के अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ही इच्छुक नहीं है नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में इस कार्यकाल में और प्रदेश सरकार के द्वारा कमेटी बना करके दो तरीके से गेम खेला गया है एक तो अगर अभ्यर्थी कुछ बोलेंगे या फिर विरोध करेंगे तो प्रदेश सरकार सीधे तौर पर यह कह सकते कि हमने कमेटी बना दी है कमेटी रिपोर्ट देने में लेट कर रही है जिसकी वजह से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन विलंबित हो रहा है दूसरा जो भी अब ठीकड़ा फोड़ना होगा वो पूरे कमेटी के ऊपर फोड़ दिया जाएगा मतलब प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं कमेटी बना करके पूरी इस मामले से बच रही है आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दो महीने पहले काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का अभ्यर्थी लगातार घेराव कर रहे थे लेकिन जब से ये कमेटी बनी है उन सब पर पूरी तरीके से विराम चिन्ह लग चुका है क्योंकि एक कमेटी बना करके प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को एक तरीके से कमेटी के ऊपर डाल दिया है अब कमेटी रिपोर्ट देगी नहीं देगी प्रदेश सरकार कमेटी को लेकर के गंभीर है भी या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल है किसी भी मुद्दे को अगर आप लंबा खींचना चाहते हैं तो कमेटी सबसे अच्छा विकल्प होता है किसी भी राज्य सरकार के द्वारा और ये पहला मामला नहीं है कि जब कमेटी प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई हो अभी हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा एक और कमेटी बनाई गई है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी समस्याओं को लेकर के स्क्रीन पर आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे बेसिक शिक्षकों व कर्मियों की समस्याएँ सुलझाने को उच्च स्तरीय कमेटी गठित और इसी आर्टिकल के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है 2018 में माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी कमेटी बनाई गई थी शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के उस समय प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को लुभाने के लिए जब 2017 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो पूरी तरीके से तत्पर दिख रही थी कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा एक कमेटी बना करके और ऐसा किया भी गया दो में कमेटी बनी भी लेकिन पिछले चार वर्षों में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तक पब्लिश नहीं की आज शिक्षा मित्र इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं आप हमारे मुद्दों को सुनिए या ना सुनिए कम से कम रिपोर्ट तो सार्वजनिक करिए अब जब रिपोर्ट बनी होगी तभी तो सार्वजनिक की जाएगी पिछले चार वर्षों में कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है तो आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पाओगे तीसरे पड़ाव में पहुँच चुके शिक्षा मित्रों का दर्द सुनने वाला कोई भी नहीं है प्रदेश सरकार इनके मुद्दों को सुनती नहीं है अगर इनके मानदेय की बात की जाए तो दस हज़ार मात्र है और जब भी मानदेय बढ़ाने की बात होती है तो प्रदेश सरकार एक, एक एहसान जता देती है कि हमारे कार्यकाल में इनका मानदेय तीन गुना बढ़ा पहले इनकी मानदेय तीन हज़ार था फिर पाँच हज़ार किया गया अब दस हज़ार मिलता है तो सरकार एक तरीके से मानदेय बढ़ाने के नाम पर एक बढ़ा देती है और उसका पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती है कि हमारी सरकार ने इनके मानदेय को तीन गुना बढ़ा है आप ये भी तो देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई है दस में आज किसी का पेट पल जाए वो भी पूरे परिवार के साथ तो बहुत बड़ी बात है खैर यहाँ पर मैं बता दूँ कि दिसंबर या फिर जनवरी में आचार संहिता भी लग सकती है विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए इन सबके बीच में अब सरकार के पास हो सकता है कि दो विकल्प पर वो कार्य कर रही हो पहला विकल्प ये हो सकता है कि सीधे आचार संहिता से तुरंत पहले हो सकता है प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की घोषणा कर सकती है प्लान बी जिस पर सरकार कार्य कर सकती है वो ये हो सकता है कि शायद सरकार आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2022 का विधानसभा चुनाव है वह पिछली दो भर्तियों अड़सठ और उनहत्तर सहायक अध्यापक की भर्ती के आधार पर ही लड़े लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा वर्ष दो में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इस समय केंद्र सरकार में भी वर्तमान पार्टी की ही सरकार है और राज्य में भी उसी की सरकार है तो 2024 को देखते हुए 2023 में एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी कर सकती है ये दिखाने के लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो कही न कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी बेरोजगारी के मुद्दे पर हमेशा घिरी रहती है और इस समय वो शिक्षक भर्ती जारी ना करके दो में जारी करे ताकि वो लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को टारगेट कर पाएगी तो इन्हीं दोनों प्लान पर कार्य कर रही होगी सरकार क्योंकि अभी तक अगर इनके द्वारा कुछ ऐलान नहीं किया गया है और सीधे तौर पर आप देखेंगे तो खुला आंकड़ा आपके पास प्रस्तुत है क्योंकि इक्यावन पद खाली होने के सरकार ने खुद स्वीकारा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके अलावा प्रत्येक वर्ष पाँच वर्षों में मिला लीजिए दस अगर शिक्षक रिटायर होते हैं तो दस गुड़े पाँच यानी पचास हज़ार तो ऐसे ही हो गए यानी एक लाख का तो आंकड़ा ऐसे ही पार हो जा रहा है ऊपर से अड़सठ हज़ार पाँच सौ बची हुई बाईस हज़ार सीटों को जोड़ लिया जाए तो लगभग सवा लाख सीटें तो ऐसे ही खाली दिख रही हैं जो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं तो फिर इसके लिए कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी अब सरकार इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आचार संहिता लग गई तो सरकार ऐसा जताने लगेगी कि हम शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देने के लिए तैयार तो हैं लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गई इस वजह से हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं और जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो एक शिक्षक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा लेकिन अगर इस कार्यकाल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ भले ही प्रदेश की वर्तमान सरकार फिर से सत्ता में जीत करके आती है तो भी 2022 में कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें टारगेट किया जा सकता है उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और इसके अलावा 2023 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है अगर प्रदेश की वर्तमान सरकार फिर सत्ता में जीत करके आती है ताकि एक वर्ष कम से कम प्रदेश सरकार टारगेट ले करके चलेगी शिक्षक भर्ती कंप्लीट करा करके फिर 2024 में उसको टारगेट करेगी कि लोकसभा चुनाव में और अगर मान लीजिए सत्ता परिवर्तन भी हो गया कोई दूसरी पार्टी सरकार में आ गई उस कंडीशन में भी 2022 में बहुत मुश्किल होंगी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना क्योंकि मान लीजिए चुनाव जीतते जीतते फिर उसके बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार करते करते आप देखेंगे अगस्त सितंबर का महीना आ चुका होगा उसके बाद से जो अभ्यर्थी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे वो फिर से मांग करने लगेंगे कि यू टेट की परीक्षा एक बार फिर से आयोजित कराई जाए उसके बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए तो उस हिसाब से आप देखेंगे लगभग नवंबर अक्टूबर में यू टेट की परीक्षा होती रही है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसके बाद से एक महीना का रिजल्ट जारी होगा मतलब पूरा साल आप देखेंगे अगला वर्ष भी ऐसे ही बीत जाएगा चाहे वर्तमान सरकार सत्ता में आए चाहे दूसरी पार्टी की सरकार सत्ता में आए तो कहीं ना कहीं दो में जाकर के फिर रास्ते खुलेंगे अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना होगा किसी भी सरकार के लिए तो उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शुभ हो